Hi friends, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss the landmark case of Indian Evidence Act 1872, which is mentioned in our case mat. केस का नाम है पुलकोरी कोटैया वर्सेस इम्पेयर. ये 1947 का केस है और ये जो केस है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 26 और सेक्शन 27 पे बेस्ड है. तो अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं. इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में जो अपीलेंट होते हैं वो पुलिस कस्टडी में ये कन्फेस करते हैं कि उन्होंने किसी का मर्डर किया है, और अगर पुलिस उनके साथ चलेगी तो वो डेड बॉडी और वेपन दोनों उनको दिखा सकते हैं. तो इस ग्राउंड पे लोअर कोर्ट जो है वो अपीलेंट को कन्विक्ट कर देती है मर्डर के चार्ज में, और अपीलेंट फिर जो है वो अपील करते हैं, और अपील में उनका कंटेंशन ये होता है कि उन्होंने जो कन्फेशन दिया था वो पुलिस कस्टडी के दौरान कन्फेशन दिया था, और पुलिस कस्टडी के दौरान कन्फेशन के ग्राउंड पे उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सेक्शन 26 और सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है उसका वायलेशन है, इसलिए उनको इस ग्राउंड पे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है. तो अब इस केस का इशू पे आते हैं. इस केस का इशू ये है कि क्या अगर कोई आदमी पुलिस कस्टडी में किसी प्रकार का कन्फेशन देता है तो क्या उस कन्फेशन के ग्राउंड पे उसे कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. इस केस का इशू यही है. तो अब आते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे. कोर्ट कहती है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 26 है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी के दौरान किसी भी प्रकार का अगर कन्फेशन करता है तो उस कन्फेशन के ग्राउंड पर उसे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी कि वो जो कन्फेशन है वो उसके अगेंस्ट रिलेवेंट एविडेंस नहीं माना जाएगा. लेकिन साथ साथ कोर्ट ये भी कहती है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 27 है वो सेक्शन 26 का एक्सेप्शनल प्रोविज़न है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए कम से कम कितना इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है. तो कोर्ट आगे ये कहती है कि सिर्फ इस बात अगर कोई ये कन्फेस करता है कि जो ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ था यानी कि जो वेपन यूज़ हुआ था वो कहाँ पर है या फिर डेड बॉडी जो है वो कहाँ पर है, अगर कोई ये कन्फेस करता है तो ये सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी को भी कन्विक्ट करने के लिए. इसलिए इस केस में कोर्ट जो है वो पुलिस कस्टडी में दिए गए कन्फेशन को रिलेवेंट नहीं मानती है और एपिलेंट को जो है वो मर्डर के चार्ज से एक्यूट कर देती है. एक्चुअली कोर्ट का जो ये डिसीजन आता है यानी कि जो सेक्शन 26 है वो एक्चुअली कस्टोडियल वायलेंस के अगेंस्ट में ये प्रोविज़न बनाया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है कस्टडी में एक्यूज को लाकर के इतना तोड़ते हैं कि वो अगर गुनाह नहीं भी किया है तो वो अपने सर पे गुनाह ले लेता है, जिसकी वजह से बहुत बार जो इनोसेंट लोग होते हैं वो भी बेवजह जेल चले जाते हैं. तो इससे बचने के लिए सेक्शन 26 का प्रोविज़न इंडियन एविडेंस एक्ट में किया गया है. तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही हैं. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा. थैंक यू सो मच.